भैया सारे स्क्रू भी जमा कर लेना, वो भी छोड़ना मत यहाँ पे, वो भी लेके जाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर व्लॉग। आज की डेट है 12 सितंबर 2023 और अभी सुबह 10:05 हुए। आज का जो दिन है, आज का जो व्लॉग है, कि काफी मेमोरियल होने वाला है। तो मैंने जब अनअकैडमी ज्वाइन किया था तकरीबन 3.5 साल पहले, सो उस समय 2020 में अनअकैडमी अपने टॉप एजुकेटर्स को, एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते थे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, चाहे वो रेवेन्यू हो, वॉच टाइम हो, जो उन रेवेन्यू या बाकी पैरामीटर्स पे परफॉर्म करते थे, उन एजुकेटर्स को स्टूडियो सेटअप देते थे। तो स्टूडियो सेटअप इज अ टिपिकल स्टूडियो सेटअप वेयर यू गेट अ बिग स्क्रीन, दैट इज अ स्मार्ट बोर्ड, यू गेट ऑल द लाइट्स, यू गेट अ गुड कैमरा, ट्राईपॉड, गुड माइक्रोफोन एंड ऑल दैट, यू नो। इट वॉज अ मोमेंट ऑफ जॉय एंड इट वॉज एन अमेजिंग मोमेंट। आई स्टिल रिमेंबर सितंबर 2020 में वो स्टूडियो लगा था। मैं उस समय अमरावती में था और अमरावती में वो स्टूडियो सेटअप हुआ था। यू नो, तब से एक अलग मोटिवेशन था अंदर के, नहीं और भी मेहनत करनी है, और भी अच्छा कंटेंट बनाना है, बिकॉज अब आपके पास ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स हैं और ये इक्विपमेंट्स आपकी क्वालिटी को काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं, तो नहीं और भी जी जान लगाएंगे, मेहनत करेंगे। फिर बाद में जब मैं अमरावती से बैंगलोर शिफ्ट हुआ था जनवरी 2021 में, तो ये स्टूडियो को भी यहाँ पे शिफ्ट किया गया था जो मेरे साथ था। जो भी कुछ हुआ है अनअकैडमी का आपको पता ही है, 18 अगस्त को मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। और कहते हैं ना, जब दो लोग अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब दो लोगों के बीच में बनती नहीं है तो फिर एक दूसरे को नंगा करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। एंड नाउ अनअकैडमी इज टेकिंग बैक दैट स्टूडियो। ऑब्वियसली उनकी चीज़ें, उनकी एसेट्स है, वो लोग वापस लेकर जाएंगे। और आज का वो दिन है जब अनअकैडमी की टीम से लोग आने वाले हैं स्टूडियो को डिसमेंटल करने के लिए। कुछ चीज़ें मैं अपने हाथ से डिसमेंटल कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमेशा आपको एक कैमरा दिखाई देता था यहाँ पे, मेरे पहले के कोई भी व्लॉग्स में, वीडियो में, इनफैक्ट मेरे स्टूडियो टूर का एक व्लॉग भी मैंने बनाया था, लेकिन अब वो कैमरा नहीं है क्योंकि मैं उसको डिसमेंटल कर चुका हूँ। आई विल शो यू, यहाँ पर मैं कैमरा को डिसमेंटल कर चुका हूँ पूरी तरह, सारी केबल्स निकाल चुका हूँ। ये लैपटॉप भी अनअकैडमी लेकर जाएगा। वो ट्राईपॉड स्टैंड था, वो ट्राईपॉड स्टैंड को भी मैं हटा चुका हूँ। अब वहाँ से लोग आएंगे, 3 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, फिक्स्चर्स हैं। एक है ये स्क्रीन, इसको निकाल के ले जाएंगे। दूसरी है ये लाइट्स, 9 लाइट्स यहाँ पे लगी हुई, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 9 लाइट्स को ले जाएंगे। और तीसरा एक UPS लगा होता है जो पावर फ्लक्चुएशन के लिए, वो लेके जाएंगे। जान नहीं सकता हूँ, बहुत मिक्स्ड फीलिंग है। ऑब्वियसली इनकी चीज़ है, इनको वापस ले जानी थी, बट वही वाली बात है कि यार स्टूडियो जा रहा है तो काफ़ी दुख हो रहा है इस चीज़ का, बिकॉज नो पिछले 3-3.5 सालों से, टू बी स्पेसिफिक, स्टूडियो के साथ 3 साल से था, तो 3 सालों से एक अलग सा अटैचमेंट, एक अलग सा कनेक्शन क्रिएट हो गया था। बहुत सारे आइकॉनिक सेशंस लिए हैं इसी स्मार्ट बोर्ड पे, बहुत सारी क्लासेस लिए हैं इसी स्मार्ट बोर्ड पे, एंड आई कांट टेल यू कि कितनी सारी मेमोरीज इसके साथ जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि खरीद नहीं सकते, बट कोई चीज़ जब आपके पास होती है ना काफ़ी समय से, तो उसके साथ एक कनेक्शन होता है, एक लगाव होता है। और आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है कि ये स्टूडियो अब मेरे पास से जा रहा है। जो है वो यहाँ पे पैक हो रहा है, इसका स्टैंड इसी के अंदर पैक हो गया है। दिस इज द बैटरी स्टैंड। अनअकैडमी अपने लिस्ट में लिखना भूल गया था, बट मैंने कहा ना अच्छी यादें और ना ही कोई चीज़ उनकी मैं रखना चाहता हूँ। ट्राईपॉड स्टैंड कैमरा का यहाँ पे है, 6 बैटरीज यहाँ पर है। यहाँ पे कैमरा आ गया, माइक्रोफोन्स आ गए, इसके साथ यहाँ पे ATM मिनी, ब्लैक मैजिक बॉक्स आ गया, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप का चार्जर यहाँ पे आ गया, लाइट्स अभी डिसमेंटल करने का काम चल रहा है, स्मार्ट बोर्ड यहाँ से निकल चुका है, UPS भी यहाँ पर आ गया। यार ये व्लॉग पता है मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है, मतलब ये एक मेमोरी तो बनी रही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक एविडेंस भी क्रिएट हो रहा है कि मैंने अनअकैडमी को सारी चीज़ें वापस दी है, एक एक नट बोल्ट तक वापस लिया है। भैया सारे स्क्रू भी जमा कर लेना, वो भी छोड़ना मत यहाँ पे, वो भी लेके जाना। Thank you.
भी स्मार्ट बोर्ड यहाँ से निकल चुका है, वो पैक हो चुका है, आपने बाहर देखा होगा। लाइट सारी यहाँ से निकल गई है, वो भी पैक हो गई है, सारे बॉक्सेस यहाँ पर पैक हो गए हैं। प्रिपेयरिंग अ लिस्ट लाइक दिस एंड कैरिंग अवे ऑल द आइटम्स ओवर हियर। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एक कील भी नहीं छोड़नी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे उनकी एक कील भी नहीं चाहिए। मैम फाइनली सब स्टूडियो खाली हो रहा है, हो गया इनफैक्ट, सो वी हैव टू कॉल बैक द पेंटर टुडे एंड इलेक्ट्रीशियन एंड गेट एवरीथिंग फिक्स्ड। भैया ने दोनों ने बहुत फास्ट कर दिया, काफ़ी फास्ट हो गया आज, है ना। मुझे कहा गया था 2-3 घंटे लगेंगे, बट जल्दी हो गया उसके हिसाब से। जल्दी कर देते हैं, अरे क्या बात है भैया। कितने स्टूडियो खाली कर दिए अभी? अभी तक 6-7 हो गया है। 6-7 और भी बहुत होंगे भैया। जी सर, सब आ गया, कैमरा वगैरह सारी चीजें आ गई। कैमरा स्टैंड है, लैपटॉप, बैटरी स्टैंड, बैटरी इसके 6 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, अब वो स्मार्ट बोर्ड आपको लेके आना है बस। ठीक है, सो फाइनली अब स्टूडियो पूरी तरह खाली हो चुका है, सब कुछ यहाँ से चला गया है, एवरीथिंग इज गॉन। अब वापस से इसको सेटअप करेंगे यार, वापस कुछ नया बनाएंगे, है ना। कोई बात नहीं, ये वॉल खाली होगी तो इसका सही करेंगे वापस। ऊपर वाला जब कोई चीज लेता है ना, तो प्राइमा फेसी हमें लगता है कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे का इंटेंशन हमें पता नहीं होता है। आज जब मेरा स्टूडियो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल द होल ड्रिल और स्मार्ट बोर्ड भी यहाँ से चला गया, आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी सैड। लेकिन अब उसी दिन शाम को मैं हूँ यहाँ तैयार अपने नए सस्ते जुगाड़ू स्टूडियो में। सो मैंने जिस वॉल पे यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड लगा था, यहाँ पे पूरा क्रोमा लगा दिया है, और जहां पर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैमरा लगा था, यहाँ मेरे लिए बहुत सारा मोटिवेशन है। मेरी टेबल पूरी तरह तैयार है, मैं अभी यहाँ पर क्लास लेने वाला हूँ। आई एम गोइंग लाइव इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। आई एम वेरी एनर्जेटिक, कोई दुख नहीं है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता था, जो मेरा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो चला गया समझो वो कभी मेरा था नहीं। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन इन सभी उतार चढ़ाव के बावजूद हमें चलते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि क्योंकि अगर तू बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, पर अगर तेरा काम बोलेगा तो सबको सुनना पड़ेगा। अब मैं सबको जवाब दूंगा अपने काम से। मैं किसी के स्टूडियो का, किसी के एहसान का मोहताज नहीं हूं। मेरे पास मेरी कला है, मेरे पास मेरा नॉलेज है, मेरे पास मेहनत करने की ताकत है, और बड़ों का आशीर्वाद है, बच्चों का प्यार है। मैं वापस आऊंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।